और ये वो तस्वीरें जो सीधे बेंगलुरु से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस दौरे को पूरा करने के बाद सीधे इसरो पहुंचे हैं, यहां पर वैज्ञानिकों से मुलाकात करते हुए, उन वैज्ञानिकों से जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए इतिहास रच दिया। यहां हर एक चेहरा अपने आप में बेहद खास है, जिनकी पर्दे पर तो नहीं लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसी भूमिका रही, क्योंकि चेहरे के तौर पर सोमनाथ, जो कि इसरो के चीफ हैं, इस पूरी टीम के कैप्टन हैं, वो सामने आते रहे, लेकिन हर सदस्य यहां पर खास है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु पहुंचे हैं, तमाम वैज्ञानिकों से मुलाकात करते हुए पीएम मोदी। और ये वो क्षण है जिसमें जब भारत के वैज्ञानिकों ने चांद पर हिंदुस्तान का परचम लहराया, जो आज तक हजारों सालों में आज तक नहीं हुआ, वो इन वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। साउथ पोल पर भारत का तिरंगा। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी अपने विदेशी दौरे को पूरा करने के बाद सीधे दिल्ली न पहुंचकर बेंगलुरु पहुंचे और वैज्ञानिकों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद में एक एक चीज को समझने की यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश करते हुए कि आखिर ये जो पूरा मिशन है इसमें किस तरह की बारीकियां रही और किस तरह से ये आगे काम करेगा। हालांकि इस बीच चर्चा जो है आदित्य को लेकर भी हो रही है, सूर्य मिशन जो है उसे लेकर भी भारत ने अब कमर कस ली है और उसके बारे में भी जानकारी सामने। और यहाँ पर बारीकियाँ समझते हुए कि किस तरीके से स्पेस मिशन को लेकर भारत काम कर रहा है, वो तमाम उपकरण, ये प्रज्ञान है और किस तरीके से ये रोवर विक्रम से निकला, और उन तमाम चीजों को बताते हुए यहां पर आप जो है कम से कम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाइट कितनी है विक्रम की कुल मिलाकर इस मॉडल को देखकर। लेकिन फिलहाल बेंगलुरु से तस्वीरें। और यही वो मौके होते हैं जब देश के लिए कुछ ऐतिहासिक करने वालों को जब इस तरह से प्रोत्साहन मिलता है, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, उससे निश्चित तौर पर वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो वैज्ञानिकों को संबोधित करेंगे और उनके संबोधन के बीच यहाँ पर कमांड सेंटर पहुँचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तालियों के साथ जोरदार स्वागत, तमाम वैज्ञानिकों ने खड़े होकर अभिनंदन किया पीएम मोदी का, और पीएम मोदी भी अपने ही अंदाज में सभी वैज्ञानिकों को यहां पर उनका उत्साह वर्धन करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत की महिला शक्ति भी विज्ञान के क्षेत्र में आप देख सकते हैं। इसके अलावा तमाम वो लोग जो इसरो के साथ काम करते हुए हिंदुस्तान के गौरव को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और अब सीधी तस्वीरें इसरो के कमांड सेंटर से। सुबह सुबह का वक्त है जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो कमांड सेंटर पहुंचकर सबको चौंका दिया, और ये इसरो के चीफ सोमनाथ, जितना अभिनंदन प्रधानमंत्री मोदी का इसरो सेंटर पर पहुंचने के लिए किया जा रहा है, उतना ही नमन प्रधानमंत्री मोदी भी वैज्ञानिकों के प्रति अपने श्रद्धाभाव के जरिए दिखा रहे हैं। क्योंकि यहां पर इन तस्वीरों को देखकर जो आभास होता है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर ये वैज्ञानिक तो धन्य महसूस कर ही रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी इन वैज्ञानिकों के कारनामे से जो भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ऊंचा हुआ है उससे वो भी खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी को प्रज्ञान के बारे में जानकारी देते हुए कि किस तरीके से हमारा प्रज्ञान अब चंद्रमा की सतह पर करीब 8 से 12 मीटर की दूरी पर चल चुका है,
और वो तस्वीरें भी सामने हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी बड़े बारीकी के साथ बड़े गौर से उन तस्वीरों को देख रहे हैं और सोमनाथ उन्हें ये सारी बारीकी जो है वो समझा रहे हैं कि किस तरीके से अप्रज्ञान जो है वो वहाँ पर किस स्थिति में है। और इन तस्वीरों के ज़रिए निश्चित तौर पर हिंदुस्तान में जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जनरेशन्स हैं, उनमें भी विज्ञान के प्रति रुचि जगेगी। छोटे छोटे बच्चों को विज्ञान के बारे में, भारत की उपलब्धियों के बारे में जानने की उत्सुकता होगी और यही एक अपने आप में बड़ी बात होती है। और ये तस्वीर जिसमें एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री और इसके अलावा हिंदुस्तान के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल जो है वो नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ध्यान से अजीत डोभाल जो हैं वो यहाँ पर कुछ सोच रहे हैं, जबकि एस जयशंकर जो हैं वो आपको मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी फिंगर को, अपनी उंगली को उन्होंने अपने होंठों पर रखा हुआ है। तो ये तस्वीर भी अपने आप में बेहद ख़ास है क्योंकि दोनों ही प्रधानमंत्री मोदी की टीम के बेहद अहम सदस्य हैं। जब बात आती है राष्ट्रीय सुरक्षा की और राष्ट्रीय गौरव की और भारत की विदेश नीति की, तो इस लिहाज से क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ग्रीस से अपने विदेशी दौरे को पूरा करने के बाद सीधे इसरो के कमांड सेंटर पहुंचे हैं, तो ये जो टीम के बाकी के सदस्य हैं वो भी पीएम मोदी के साथ ही पहुंचे हैं। और इसलिए आपको यहां पर नजर आ रहे हैं एस जयशंकर और अजीत डोभाल, लेकिन जो भाव भंगिमा है वो खुशी जयशंकर के चेहरे पर भी साफ तौर पर नजर आ रही है। दिलचस्प तस्वीरें इसरो के कमांड सेंटर से। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।